वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक की बात की जाए तो आज फिर से गिरावट देखने को मिले सेल स्टॉक के अंदर और नया 52 वीक लो आज फिर से देखने को मिला है सेल स्टॉक के अंदर। तो देखा जाए तो कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकते कि निफ्टी का भी चार्ट एनालाइज कीजिए, क्योंकि निफ्टी में आज देख सकते कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेकआउट किया। इसी ब्रेकआउट की वजह से देख सकते कि बाकी सारे स्टॉक्स के ऊपर असर देखने को मिला है। वैसे बात की जाए तो देख सकते कि तकरीबन जो इंपॉर्टेंट लेवल बनी थी यहाँ पे आप देख सकते निफ्टी की 15,700 लेवल पिछले 3 महीने से सपोर्ट ले रहा था उसी लेवल पर उसको ब्रेकआउट किया है और यहाँ पे बेरिश मूवमेंट देखने को मिले। तो इसका ही असर बाकी सारे स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिला। वैसे भी सेल स्टॉक देख सकते हो कि 3.90% की गिरावट देखने को मिले, तकरीबन देख सकते हो कि 5% से ज्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिले सेल स्टॉक के अंदर आज के दिन में। जैसे ओपन हुआ 70 लेवल को भी ब्रेकआउट किया, प्रीवियस क्लोजिंग को भी ब्रेकआउट किया और गिरावट देखने को मिली थी सेल स्टॉक के अंदर। देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कैप में भी गिरावट देखने को मिले, पी रेशो भी 2.26 इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। ओपन हुआ था 72 लेवल पे, वही से आप देख सकते हैं गिरावट देखने को मिली है। देखा जाए पिछले 5 दिनों का भी चार्ट एनालिसिस देखा जाए तो पिछले 5 दिनों में भी देख सकते हैं तकरीबन 8% से ज़्यादा गिरावट हो चुकी है एफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक में और नया 52 वीक लो 66.50 का बना चुका है। तो चार्ट एनालिसिस पर भी नज़र डाली जाए, जो यहाँ पे पिछले मंथ में सपोर्ट लिया था 70 लेवल को, उस लेवल को भी यहाँ पे आज के दिन में ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे देखा जाए तो सेल स्टॉक ने, तो और बेरिश मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है आने वाले समय में सेल स्टॉक के अंदर। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 65 लेवल तक जा सकता है, नीचे 65 को ब्रेक करता है तो 60 लेवल तक जाने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं सेल स्टॉक के अंदर। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक के लिए।